हाय, मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी आपसे तीन यूनिक आइडियाज़ जो आप अपनी प्लास्टिक बॉटल्स के साथ कर सकते हैं प्लांट्स के लिए। और ये वो टिपिकल आइडिया नहीं है कि प्लास्टिक बॉटल को काटो और उसको पेंट करो। एक्चुअली वी आर गोइंग टू ट्राई कुछ डेकोरेटिव आइडियाज़ और एक फंक्शनल आइडिया जो आप यूज़ कर सकते हो जब आप छुट्टियों पर जाते हो। पहले आइडिया के लिए आप कोई भी प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए। इस बॉटल को आधे में काट दीजिए और इसमें अब हम तीन छेद बनाएंगे। आप ड्रिल भी कर सकते हैं, अगर ड्रिल नहीं है तो कोई भी गर्म चाकू भी यूज़ कर सकते हैं। जो दो ऑपोजिट होल्स हैं उनमें हम 5 से 6 इंच लंबी रस्सी डालेंगे और इस छोर पे बांध देंगे। आप रस्सी की जगह ऊन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरे छोर पे इस रस्सी की हम ऐसी एक डंडी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऐसी शोई डंडी नहीं है तो आप कोई भी सूखी पेड़ की डंडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम इसको टांगेंगे तब हम इस तीसरी रस्सी को एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और बस अब इसमें आप पानी डालिए और कोई भी प्लांट कटिंग को उगा सकते हैं। मेरा एवरग्रीन फेवरेट है मनी प्लांट, और जब ये और ऊपर बढ़ेगा तो इस रस्सी के सपोर्ट से ये ऊपर चढ़ सकता है। आई थिंक इट्स मोर फन दिस वे रादर देन वो बोरिंग तरीका जिसमें हम सिर्फ बॉटल में कटिंग को डाल देते हैं, इजंट इट? सेकेंड आइडिया के लिए आप कोई भी प्लास्टिक बॉटल यूज़ कर सकते हैं या फिर जार भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बॉटल यूज़ करें तो उसको इस प्रकार काटें कि एटलीस्ट उसमें 300 ml पानी रह सके, या उससे ज़्यादा भी रह सकता है अगर आप बड़े प्लांट के लिए यूज़ करेंगे इसे। अब इस बॉटल को आप किसी भी गमले में दबा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो और मिट्टी का भी इस्तेमाल कर लीजिए उसको सपोर्ट करने के लिए, इस प्रकार की ये जो बॉटल है ये सीधी खड़ी रहे जब आप इसमें पानी डालेंगे। अब आप एक पुरानी टी शर्ट ले लीजिए, इसकी जगह आप कोई भी कॉटन मटेरियल की रस्सी भी यूज़ कर सकते हैं, और इस रस्सी को या इस टी शर्ट की डोरी को हम 1 इंच चौड़ाई रखेंगे और 4 से 6 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। इस कपड़े को एक छोर से तो हम पानी में डालेंगे कैपिलरी एक्शन से, यानी केशिका क्रिया। हाँ जी, कैपिलरी एक्शन को हिंदी में केशिका क्रिया कहते हैं। इस प्रोसेस से पानी बॉटल से मिट्टी में मूव करेगा धीरे धीरे। एक बॉटल को खाली करने के लिए कुछ 2-3 घंटे भी लग जाएंगे। जब आप छुट्टी पर जा रहे हैं 2-3 दिन की छुट्टी पर, तो आप इस बॉटल को भर के जा सकते हैं। तीसरे आइडिया के लिए प्लास्टिक बॉटल को सिर्फ बेस से काटना है। ये जो उसका तला है इसको हम हटा देंगे एक शार्प चाकू से, या फिर आप इस चाकू को गर्म करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम गर्म करते हैं तो ये जो कट है ये काफ़ी क्लीन होता है, अगर आप इसको गर्म नहीं करोगे तो काफ़ी रफ रह जाएगा। सबसे पहले नीचे कुछ पेबल्स या फिर किसी भी तरीके के पत्थरों को यूज़ कर सकते हैं ड्रेनेज के लिए, और ऊपर से फिर मिट्टी डालिए। अगर आपके पास पेबल्स नहीं है तो सिर्फ मिट्टी डाल के उसको दबा दीजिए प्रेशर से। ये बेसिकली क्या करेगा, पानी को स्लो डाउन कर देगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो जैसे ही आप पानी डालोगे मिट्टी भी नीचे से निकलेगी और पानी भी नीचे से निकलने लगेगा, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब बॉटल के इस एंड पे हम 3 या 4 छेद बनाएंगे। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैं यहाँ पे वुडन बीड्स यूज़ कर रही हूँ। इनकी जगह आप कोई भी डेकोरेटिव बीड्स यूज़ कर सकते हैं, ये इस हैंगिंग प्लांटर को काफ़ी खूबसूरत बना देगा। और इस रस्सी के दूसरे छोर से हम एक लूप बनाएंगे जो हमें टांगने में हेल्प करेगा। आप इसमें कोई भी पौधा उगा सकते हैं जो कटिंग से उगता है। मैं यहाँ पे मनी प्लांट यूज़ कर रही हूँ, पर इसकी जगह आप मॉन्स्टेरा, स्पाइडर प्लांट या कोई भी पौधा जो कटिंग से उगता है यूज़ कर सकते हैं। That's it, pretty simple. I hope आपको ऐसे आइडिया पसंद आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वो लाइक बटन दबाइए, और अगर आपने मेरे इस चैनल एकता चौधरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।